नमस्कार, मिड डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर से करेंगे, जहां कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस अब 13 सितंबर को होनी है। आपको बता दें कि पहले ये पिछले 23 अगस्त को होनी थी, लेकिन बाढ़ राहत कार्यों को देखते हुए और तमाम जो यहां पर अधिकारियों की तैनाती की गई है उसकी वजह से और आगामी त्योहारों की वजह से इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। 23 अगस्त की जो कॉन्फ्रेंस होनी थी अब उसे 13 सितंबर कर दिया गया है। बैठक में जिलों की समीक्षा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बाढ़ राहत कार्यों में अधिकारियों ने किस तरह से काम किया उसकी समीक्षा यहां की जाएगी। इसके साथ ही पिछली जो बैठक यहां पर हुई थी कलेक्टर कमिश्नर एसपी आईजी की कॉन्फ्रेंस, उसमें जो भी लक्ष्य यहां सरकार की तरफ से दिया गया था उसकी भी समीक्षा यहां की जाएगी इस बैठक में। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हैं राजधानी भोपाल से, जहां बैठक की अध्यक्षता सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कलेक्टर कमिश्नर और आईजी एसपी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पहले ये बैठक 23 अगस्त को होनी थी, अब 13 सितंबर को इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जिलों के कामकाज को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी खबर भोपाल से। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कलेक्टर कमिश्नर और एसपी आईजी कॉन्फ्रेंस अब 23 सितंबर को होगी। पहले ये बैठक 23 अगस्त को होती है, अब 13 सितंबर को होगी, माफ कीजिएगा। और इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर समीक्षा की जाएगी और ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे बाढ़ राहत कार्य हो उसमें अधिकारियों की तैनाती की गई है, उनके कामकाज का ब्यौरा इकट्ठा यहां सरकार के सामने किया जाएगा। और इसके साथ ही पिछली बैठक में जो भी लक्ष्य दिया गया था अधिकारियों को, वो भी इस बैठक में उसकी समीक्षा सीएम की तरफ से की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं।